नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जी दोस्तों, जितनी भी आप परेशानी अपने मन में लेकर घूमते हैं आप उन्हें आज ही छोड़ दें, क्यों दोस्तों अब आपके भी जीवन काल में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली है जिन्हें जानकर दोस्तों आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों हमेशा आपको ऐसा लगता है, हर दुख दर्द में आपको ऐसा लगता है कि दोस्तों आपके साथ कोई खड़ा ही नहीं है, आपका साथ देने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि आपको आपके मंजिल तक लेकर जा सके। लेकिन दोस्तों आपने अभी तक ईश्वर की लीला को पहचाना ही नहीं है। उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में इनके लिए सच्चे मन से लिख दें जय श्री राम जय हनुमान। दोस्तों हनुमान जी की कृपा आपके जीवन काल में आजीवन आपको प्राप्त होता रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यह देव आप सभी के जीवन काल में आने वाले समय में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं करने वाली है जिन्हें दोस्तों सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको वे खुशखबरियां मिलने वाली है, वे बड़ी सफलताएं अब आपको प्राप्त होने वाली है जिन्हें सुनकर दोस्तों आपकी खुशी के आंसू नहीं रुकेंगे। जी दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपने पिछले समय जो भी परेशानियां झेली है, जो भी दुख दर्द आपने झेले हैं दोस्तों अब उन सभी का खात्मा होने वाले हैं और संकट मोचन निदान आप सभी के साथ यह समय खड़े हैं। जी दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि भगवान हनुमान जी आप सभी के जीवनकाल में बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाले हैं, आप सभी के जीवनकाल को उदय करने वाले साबित होने वाले हैं। दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में अब क्या क्या बदलाव होंगे, कौन कौन से बड़े चमत्कार होंगे, इन सभी के बारे में वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी से, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार से जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में आने वाले समय में बहुत ही बड़ी इच्छा शक्ति जागृत करेंगे। तो दोस्तों हमारा आप सभी से विनती है कि दोस्तों आप इन्हें भी गौर से सुनिएगा। जी दोस्तों कि दोस्तों कोई नहीं सीता के राम थे रखवाले, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के थे पांच पांडव, जब चीरहरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ के थे चार पुत्र दुलारे, जब प्राण त्यागे तब कोई नहीं। रावण भी थे महाशक्तिशाली, जब लंका जली तब कोई नहीं। श्री कृष्ण से सुदर्शन धारी, जब तीर जुबा तब कोई नहीं। लक्ष्मण भी था भारी योद्धा, जब शक्ति लगी तब कोई नहीं। तीर शेष्य पर पड़े भीष्म पितामह, पीड़ा का झांसी कोई नहीं। अभिमन्यु भी लाडले दुलारे थे, पर चक्रव्यूह के समय साथ कोई नहीं। मैं तुमसे कहूँ दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे उस मालिक ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। दोस्तों इस बातों से हमें यह ज्ञान मिलता है कि दोस्तों हम करते वही हैं जो हमारा मन करता है, लेकिन दोस्तों होता वही है जो ईश्वर चाहता है। जी दोस्तों ईश्वर के आगे कोई नहीं है। जी दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यह बातें समझ में आई हो, यह बातें अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों सके साथ बात करते हैं कि महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से अब आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों यश में किसी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के सानिध्य में आपकी विचारधारा में सकारात्मक परिवर्तन आएगा तथा जीवन से जुड़े प्रत्येक कार्य को करने का बेहतरीन नजरिया भी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों यश में आपकी आर्थिक स्थिति भी अति उत्तम रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएं तथा दस्तावेज यश में संभाल कर रखें, खोने पर जो है इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, तो दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों आपको बता दें कि जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके स्वाभिमान पर भी पड़ सकता है, बच्चों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें, इससे उनमें सुरक्षा की भावना उपजेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि मन में यश में तरह तरह के विचार आने की वजह से आपकी एकाग्रता में भी कमी रहेगी। दोस्तों किसी भी विषय में या फिर काम को पूरा करने की आपकी जो इच्छा होने के बावजूद भी आप उस पर यश में ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो दोस्तों इनसे सावधान रहें, इनसे बच कर रहें। यश में खुली हवा में या फिर निसर्ग में बिताया गया समय आपके मन को प्रसन्नता देगा।
परिवार संबंधी झगड़े को मिटाने की कोशिश आपके द्वारा यशमय हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होगी। दोस्तों आपको बता दें कि यशमय किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत ही भाग्योदयदायक रहेगी, इसलिए दोस्तों यशमय उनकी किसी भी बात को जो किसी भी बात की अवहेलना ना करें। महिलाओं के लिए जो दिन होंगे उत्तम और लाभदायक दिन होंगे। दोस्तों हर परिस्थिति में उन्हें सामना करने का हिम्मत और साहस भी यशमय प्रदान करेगा। दोस्तों साथ ही कभी कभी कुछ संबंधियों के प्रति नकारात्मक विचार भी आपके मन में आ सकते हैं, परंतु दोस्तों यशमय जो है मन स्थिति पर काबू रखें तथा संबंधों को खराब होने से बचाएं, ये आपके लिए यशमय बेहतर रहने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपको मिल रहे पेशे का निवेश करने की आपकी योजना और बेहतर बनाने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी, जिसकी वजह से भविष्य में आपको बड़ा फायदा भी यशमय मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेकर परिवार के साथ अधिक वक्त बिताने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यशमय आपका कार्यस्थल में बड़ा धन लाभ को भी प्राप्त करने वाले हैं। पिछले कुछ समय से नजदीकी लोगों के साथ चल रही गलतफहमी का भी यशमय निवारण होगा तथा आपसी संबंध भी यशमय ठीक हो जाएंगे। दोस्तों किसी प्रिय मित्र की सलाह से आशाएं और उम्मीदें की नई किरण भी यशमय उदय होगा। इसके उपरांत दोस्तों अगर संपत्ति के बंटवारे संबंधी कोई भी विवाद चल रहा है तो दोस्तों किसी की मदद द्वारा हल होने की उचित समय आ गया है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अपनी जो है मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करें। बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय यशमय ना लें, कोई भी काम यशमय ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। युवा वर्ग भी प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपने अध्ययन और फिर करियर के साथ किसी प्रकार का समझौता ना करें, अन्यथा भविष्य में इनका नकारात्मक परिणाम भी आपके ऊपर हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों कायदे संबंधी कोई जानकारी पूरी न मिलने की वजह से आपके अंदर डर बन रहा है। दोस्तों यशमय किसी भी व्यवहार को करते समय उससे जुड़े व्यक्ति से सलाह लेकर निर्णय लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों लेकिन निर्णय के लिए पूरी तरह से उन पर निर्भर भी ना रहें, ये भी आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों सामाजिक दायरा और अधिक विस्तृत होगा। पारिवारिक गतिविधियों में भी यशमय कुछ व्यस्तता बनी रहेगी। घर के सदस्यों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना उन्हें सुरक्षा की भावना प्रदान करेगा। जरूरतमंद लोगों की सहायता करना आपको जो है आत्मिक खुशी भी यशमय देने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि निवेश संबंधी किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों यशमय आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा अनुकूल नहीं है। अगर कर्ज व फिर लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों पहले अपनी लिमिट का आप अवश्य ध्यान रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आपको मिल रही सहायता और प्राप्त हो रहे जो है स्रोत का आप उचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको भविष्य में पछतावा भी हो सकता है। दोस्तों यशमय आपको क्या करना है कि अपने वक्त को अधिक से अधिक काम पर ही लगाने की आपको कोशिश करना है। और दोस्तों आप बेकार की बातों में अपना वक्त को बर्बाद इसमें कर रहे हैं तो इन पर भी ध्यान दें और अपने वक्त को बचाएं। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय कार्य क्षेत्र में अपने कर्मचारियों की सलाह पर ध्यान दें। उनका योगदान आपके व्यावसायिक कामों को पूरा करने में भी यशमय मददगार रहेगा। लेकिन दोस्तों धन के लेन देन संबंधी कार्यों में यशमय सावधान रहें। कोई कर्मचारी अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपसे धोखाधड़ी भी कर सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि तेज मंदी और शेयर्स में भूलकर भी पैसा ना लगाएं, क्योंकि दोस्तों अभी समय उचित नहीं है। दोस्तों अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों तथा हरकतों पर भी पैनी नज़र रखें, बेहतर होगा कि दोस्तों सभी निर्णय आप सोहेंगे लिए, ये आपके व्यवसाय के लिए समय बेहतर होने वाले हैं। इसको प्रणाम दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय संबंधी प्रतिस्पर्धा में आपको बहुत अधिक परेशानी का सामना भी यशमय करना पड़ सकता है। दोस्तों यशमय आपकी सूझबूझ और फिर उचित फैसला आपकी जो है काफ़ी हद तक समस्या से आपको मुक्त रखेगा। इसको प्रणाम दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि दैनिक आय यशमय बढ़ने वाली है। आयात निर्यात संबंधी कामों में भी आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रवैया आपसे संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा, परंतु प्रेम संबंधों में जो है प्रेम संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए
एक दूसरे पर विश्वास करना भी इसमें अति आवश्यक होगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने प्रेम संबंध को मजबूत रखना चाहते हैं तो इसमें विश्वास करना बिल्कुल ना भूलें। इसके उपरांत दोस्तों, इसमें आपके लव लाइफ कृष्ण में होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी परेशानियों को पारिवारिक लोग समझेंगे और उचित सहयोग भी आपको इसमें देने वाले हैं। अचानक ही किसी निकट संबंधी के आगमन से वातावरण में थोड़ा सा खुशनुमा भी रहेगा। इसके उपरांत ही दोस्तों, इसमें आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों, कार्य के साथ साथ पारिवारिक संबंधों को भी मजबूत बनाकर रखने की आपकी जो कोशिश है, यश में कामयाब रहेंगी। विवाह योग्य व्यक्तियों के लिए भी अच्छे रिश्ते की पूरी संभावना बन रही है। इसको प्रणाम दोस्तों, इसमें अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों, घर से बाहर अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। लापरवाही की वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी भी आ सकती है। इसको प्रणाम दोस्तों, इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि गिरने या फिर चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है, बहुत अधिक सावधानी रखने की इसमें जरूरत होगी। इसको प्रणाम दोस्तों, इसमें आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर इसमें वाहन ना चलाएं तो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे। थकान की वजह से पैरों में दर्द व फिर सूजन की समस्या भी रह सकती है। अपनी देखभाल करने के लिए जो समय है, आप जो है अवश्य निकालें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होने वाले हैं। दोस्तों, आपका आत्मविश्वास व सकारात्मक सोच आपको इसमें स्वस्थ भी रखने वाला है। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा व्यायाम पर भी अपना ध्यान को जरूर दें, ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे।